आपका सुशील सर, एक बार फिर से फंडामेंटल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको टेंस सीरीज का अगला टेंस लेकर के आया हूं, जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैंने चार वीडियोस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था। आज हम बात करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बराबर में एक बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, किसी भी सेंटेंस को करने के लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें पहली होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है वर्ब एंड देन पहचान। क्योंकि हम जब तक किसी सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। तो हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी है डिड। और डिड भी नेगेटिव सेंटेंस तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगती है, अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। दूसरी वर्ब होती है हमारी, तो वर्ब हमारी लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वो हमारी लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज नहीं करते हैं, बट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं, बट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ना करके हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो विशेष ध्यान आप ये रखिए कि जहां जहां किसी भी सेंटेंस में अगर डिड दिया गया होगा तो डिड के साथ में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, राइट। तो अब बात करते हैं इसकी पहचान पर। इसकी पहचान देखते हैं क्या है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में या क्रिया के अंत में आ या ई, ये, ई, ता था, ती थी, ते थे या फिर की आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें था, थी, थे का प्रयोग केवल सिंगल नहीं होता है, उसके साथ में ता था, ती थी, ते थे यानी होना आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया कि स्वीकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होता है, या फिर इंटरोगेटिव यानी प्रश्न नहीं पूछा गया होता है। तो ये सिंपल होते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, ठीक है। अब यहां पर कुछ एग्जाम के द्वारा हम इसको देख लेते हैं कि उसने एक पत्र लिखा, समझ में आ रहा है, लिखा आ, राइट। तो पहचान में आप जाएंगे लिखा, विदाउट था, थी, थे। आप सबसे पहले आप देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, उसने के लिए हम लगा सकते हैं ही या फिर शी, वो ही भी हो सकती है या फिर शी भी हो सकती है, राइट। फिर हमें क्या करना है, सेकंड नंबर पे वर्ब देना है। और वर्ब, मैं इससे पहले के वीडियोस में आपको बता चुका हूं, वर्ब वो होती है जो हमारी पहचान के जस्ट बराबर में जुड़ी होती है। तो इसमें क्या है, लिखा, तो लिखने की क्या होती है बेटा, राइट। तो राइट की हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, रोट एक पत्र यानी आ लेटर। तो अगला सेंटेंस देखते हैं कि बह, इसमें क्या है, गई यानी जाने वाली कौन है, कार्य करने वाली कौन है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम यूज करते हैं शी का। तो शी, अब जाना, गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट टू स्कूल, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी, इसमें किसके द्वारा, ता था, ती थी यानी ती थी, और सीता है तो सब्जेक्ट, भाई सिंपल सी बात है, पढ़ाने वाला कौन, सीता, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सीता। उसके बाद में वर्ब देना है, वर्ब क्या है, पढ़ाना यानी टीच, टीच की सेकंड फॉर्म, टॉट मुझे, मी, इंग्लिश। ये हमारे तीन सेंटेंसेस हैं, इनको अच्छे से करिएगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि मैं या कोई भी टीचर आपको तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि आप स्वयं प्रैक्टिस ना करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य,
नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी नेगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग किया गया होता है या किसी काम को मना किया गया होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर जैसा कि मैंने ऊपर बताया था नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं वो हमारी होती है डिड, इसके साथ नॉट आ जाएगा, फिर बी वन, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो जिन वाक्यों में डिड का यूज होता है वह हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो राइट, ये बी वन हो जाएगी, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, और इसमें भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में आता है। राइट, अब हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल कि उसने अपना पाठ याद नहीं किया। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम कि राम ने झूठ नहीं बोला। तीसरा सेंटेंस एक और ले सकते हैं, तुमने कल मुझे नहीं पढ़ाया। ये थ्री सेंटेंस सिंपल सा है। सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट हम कहां से देखते हैं, किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इसमें पाठ याद कौन नहीं कर रहा है, उसने, यानी किसने नहीं किया, उसने, तो उसने क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट। उसमें हम ही का यूज भी कर सकते हैं और शी का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि याद ना करने वाला लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो हमने कहा ही। अब हमें सेकेंड नंबर पे देखना है डिड, तो यहां पर हम कर देंगे डिड। थर्ड नॉट, क्यों, क्योंकि नॉट का यूज यहां पर हुआ है, तो ही डिड नॉट लर्न, याद करने की लर्न, और अपना पार्ट की हिच लेसन। राइट, इसके बाद में जो हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं वो है राम, यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया राम, भाई डिड लगाएंगे, नॉट लेना है, राम डिड नॉट, झूठ बोलना टेल होता है, तो टेल अ लाई। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि झूठ बोलने के लिए हम टेल का यूज करते हैं और सत्य बोलने के लिए हम स्पीक का यूज करते हैं। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट है कि तुमने, सब्जेक्ट क्या है तुमने, यानी यू, यू के साथ हम यूज करते हैं डिड का, फिर नॉट पढ़ाने की टीच मुझे, मी और कल की यस्टरडे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले हम वाक्य को आगे से बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद में जस्ट पीछे से बनाना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। मैंने एक सिंपल तरीका इनका बताया था कि ये हमारे दो कैटेगरीज में होते हैं, एक तो वाइज फैमिली होता है, एक विदाउट वाइज फैमिली होता है। तो मैंने इसका एक सिंपल बताते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने कहा वाइज फैमिली का शब्द या फिर QW क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द। राइट, उसके बाद में हमें लेना है यहां पर डिड, फिर हमें लेना है यहां पर डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि सेंटेंस में नॉट होगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा V1, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए फिर से एक बात कि डिड का यूज जहां जहां होता है वहां हमारी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आती है। राइट, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या तुमने अपना पाठ याद किया। राइट, दूसरा है क्या राम ने झूठ नहीं बोला। तीसरा सेंटेंस है उसने तुम्हें क्यों
बुलाया। और एक सेंटेंस और लेते हैं कि राम ने सत्य क्यों बोला। ये सारे सेंटेंस अलग अलग टाइप के हैं, तो इसमें हमें करना क्या, मैं पहले बता चुका हूं कि बे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनमें हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डिड। और डिड इसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने यानी यू। डिड यू, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, नॉट है नहीं। वर्ब लेना है याद करना, लर्न। और अपना पाठ की योर लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। इसी तरीके से हमें क्या के अंग्रेजी व्हाट का यूज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी डिड से स्टार्ट करना है। तो हमारा हो जाएगा डिड राम, इसमें नॉट का यूज है तो क्या लेंगे, डिड राम नॉट। झूठ बोलने की टेल होता है और आ लाइन, मैंने अभी बताया था। उसके बाद में आप विशेष ध्यान रखें कि ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड या बायस फैमिली के बीच में होती है, तो हम उन शब्दों की अंग्रेजी से ही वाक्यों को प्रारंभ करते हैं, राइट। मैंने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था उसमें क्यों, वाई। अब हमें स्टार्ट करना है यहां से, वाई सेकेंड नंबर पर है, डिड। वाई डिड उसने की ही बुलाना, वाई डिड ही कॉल तुम्हें यू, वाई डिड ही कॉल यू, राइट। इसके बाद में क्यों की यहां पर लेना, वाई, ठीक है। डिड सब्जेक्ट है हमारा राम, वाई डिड राम। अब इसमें नॉट का यूज में भी नहीं है, बोलने की क्या हो जाएगी, सत्य बोलना है, यानी हमने बोला स्पीक द ट्रुथ क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इस तरीके से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट हो गया। और फिर से एक बात मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपको कोई तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि आप खुद आगे ना बढ़े, क्योंकि बदलना आपको है किसी और को नहीं है। हम एक बात और ध्यान रखिएगा, कलाम साहब कहते थे कि हम किसी और को नहीं बदल सकते बट हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और अब जिस दिन हमने अपनी आदतें बदल दी उस दिन हमारा भविष्य ही बदल जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, राइट। जय हिंद, जय भारत।